तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैपिलैरिटी, ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको अभी पिछले अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि मनिस्कस तीन टाइप के होते हैं, है ना। एक ऊपर ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, फ्लैट भी होता है। सारी गेम डिपेंड करती है कि कोहेजिव और अडहेसिव फोर्सेस। जैसे नॉर्मल वाटर में क्या होता है, जो वॉल्स ऑफ कंटेनर वो खींचती हैं, वॉल ऑफ कंटेनर पानी को खींच लेती हैं तो पानी ऊपर चढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि देखो यहाँ से फ्लैट है, क्यों? क्योंकि ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसमें ट्यूब काफ़ी बड़ी है। ट्यूब क्या है, तो टब है पूरा। लेकिन अगर आप इसको ट्यूब को या टब को छोटा कर दें, बस इतनी सी रखें छोटा सा, तो ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बन जाएगा। फ्लैट होने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्यूब ही बड़ी पतली है, हर तरफ लिक्विड के पार्टिकल को खींच लिया जा रहा है ट्यूब से। तो अगर ये फ्लैट होगा तो बीच में ये, मतलब अगर ये बड़े बड़ी ट्यूब होगी तो बीच में फ्लैट हो जाएगा, साइड से जाके ये चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर ये पतली ट्यूब होगी तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा, बड़ी ट्यूब होगी तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको रीज़न बता दिया था, क्योंकि अडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव से बड़ी हैं। मतलब लिक्विड जो है, ये जो कंटेनर है, उसकी फोर्स बड़ी है एज़ कम्पेयर टू पानी, पानी की फोर्स। तो जो कंटेनर है वो पानी के मॉलिक्यूल को खींच पा रहा है, अडहेसिव फोर्स बड़ी है, तो ऐसा डायग्राम है। मरकरी का ऐसा बनेगा, फ्लैट हो जाएगी, मरकरी साइड पे नीचे गिर जाएगी, क्योंकि कोहेसिव फोर्स मरकरी की बड़ी है। मरकरी मरकरी की फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, वो बड़ी है एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स। और फ्लैट में तो कोहेसिव एडहेसिव एकदम बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है कि सपोज करो आपकी कोई भी एक सरफेस है, जैसे ये सरफेस ले लेते हैं, ये रहा डायग्राम, तो या ये ले लेते हैं, चलो ये रहा। तो ये आपका मेनिस्कस है, शेप है। अगर आप इस लिक्विड की सरफेस पे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, तो आपने इस मेनिस्कस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया किसी भी पॉइंट पे, इस टेंजेंट ने इस सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनाया, इस बीकर के साथ, सॉलिड के साथ, इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज़ है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है कि जो मेनिस्कस है उसके साथ आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट ने सॉलिड के साथ इस लिक्विड के अंदर जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। जैसे ये आपके पास मान लो मेनिस्कस है किसी कंटेनर में, ये लिक्विड का मेनिस्कस बन गया, ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ने कंटेनर के अंदर सॉलिड के साथ एंगल बनाया थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। लेकिन अगर आपका मेनिस्कस ऐसी है, ये देखो मरकरी, अब टेंजेंट नीचे बनने की बजाय कहाँ बन गया? ऊपर। सॉलिड के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? थीटा, थीटा, ठीक। सॉलिड के साथ एंगल क्या बनेगा? थीटा। तो पानी जैसी लिक्विड्स जिनका मेनिस्कस नीचे को जाता है, मतलब बीकर खींच सकता है उन्हें, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, उनमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनता है? लेस देन 90। लेकिन मरकरी जैसे सब्सटेंस, जो कि मरकरी मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग है और वो चिपकता नहीं है बीकर के साथ, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनता है? ग्रेटर देन 90। क्लियर है यहाँ तक? तो जो पानी है, जो सरफेस है पानी, पानी ना बीकर से चिपकता है, क्योंकि बीकर बहुत स्ट्रांग फोर्स लगाता है पानी के मॉलिक्यूल्स को, तो सरफेस ऐसा बन जाता है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90, तो जिन लिक्विड्स का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 है वो बीकर से चिपकते हैं, वो चिपकते हैं। तो चिपकने का मतलब बीकर को वेट करते हैं, वेटिंग ऑफ सरफेस, वो गीला कर देते हैं। लेकिन जो मरकरी जैसे सब्सटेंस हैं वो तो चिपकते ही नहीं, क्योंकि मरकरी मरकरी की फोर्स ही बहुत स्ट्रांग है, वो चिपकते ही नहीं, तो उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90। तो जिन लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 है वो बीकर को वेट नहीं करते, ऐसी गेरोगे मरकरी बाहर निकाल दोगे, बीकर सूखा बाहर निकलेगा, वो चिपक ही नहीं रहे, क्योंकि मरकरी मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग है, पानी चिपका रह जाएगा क्योंकि बीकर उसको चिपका लेगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सॉलिड सरफेस इन साइड अ लिक्विड। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे अगर लिक्विड बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट के अंदर जो टेंजेंट है वो कहाँ बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट बनता है ऐसा, तो सॉलिड के साथ एंगल क्या बनाता है? 90। तो फ्लैट में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन में मार्क करने को आ सकता है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आपने पानी की जगह
मरकरी डाल दी, मरकरी की जगह ऑयल डाल दिया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा। आपने पानी ही रखा लेकिन बीकर ग्लास की जगह स्टील का यूज़ कर लिया, सिल्वर का यूज़ कर लिया, तो मॉलिक्यूल सिल्वर के आ गए या पानी के साथ, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा। जब दो चीज़ों के मॉलिक्यूल चेंज हो गए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा, राइट? क्योंकि मेनिस्कस चेंज होगा, फोर्स अडहेजन कोहेजन की चेंज होगी। नंबर टू, क्लीननेस ऑफ द सरफेस। आप बीकर आपने ग्लास का लिया, बीच में ग्रीस लगी रहेगी, अब आपने पानी डाल दिया, भाई ग्रीस के मॉलिक्यूल अब रोल प्ले करेंगे, ग्लास तो बाद में आएगा, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। बीकर गंदा है, वो गंदी के क्या मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो बीकर के तो आए ही नहीं, तो इसलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है मीडियम अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। इस लिक्विड के ऊपर क्या मीडियम है? अब मीडियम वैसे एयर लेते हैं हम, अब एयर की जगह कोई और मीडियम ले लिया, जो लेते नहीं है, पर अगर ले लिया तो ऊपर की फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, एयर की तरफ से चेंज हो जाएंगी, तो वहां से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाएगा। वैक्यूम ले लिया, एयर ले लिया, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स में गर्मी आ जाएगी, थर्मल एनर्जी वो मूव करेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज, एनर्जी लेके वो चिपकेंगे नहीं ना कंटेनर के साथ, भागेंगे वो, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज। तो जहां असर मॉलिक्यूल पे पड़ रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज। तो ये फैक्ट्स याद करने हैं। लिक्विड जो वेट करता है वॉल्स ऑफ कंटेनर, उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 है, जैसे पानी। जो वेट नहीं करता जैसे मरकरी, उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 है। और ग्लास का और वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मली 8 डिग्री होता है, नॉर्मल पानी और ग्लास का, और प्योर वाटर और सिल्वर का 90 डिग्री होता है, फ्लैट होता है, सिल्वर में अगर पानी डालेंगे फ्लैट आएगा। तो ये फैक्ट्स याद करने, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा मार्क करेंगे।